एक्सक्यूज मी मैम मैम, आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी फंक्शन है बेटा, सबसे पहले जो है उसको हमने क्या करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वो रेडियस भी हो सकता है, वो एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर एफ डैश एक्स निकाला, उसका डबल डेरिवेटिव निकाला। हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया। फिर बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद वो डबल डेरिवेटिव में देखो, अगर लेस देन जीरो गए, अगर लेस देन जीरो गए तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट मेरे पास एक्स वन पे मैक्सिमम वैल्यू है। अगर किसी पॉइंट पे मेरे पास वो ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स टू पे मिनिमम वैल्यू है। बेटा उल्टा होता है यहाँ, ओके, इज इट क्लियर? हमेशा उल्टा होता है। बट मैं बता दूं बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चंस इतने लंबे होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट एवरीथिंग, होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी 15 टू 16 क्वेश्चंस हैं बुक में स्टेटमेंट वाले, लर्न दैट स्टेटमेंट। अगर हमने टाइम सेव करना, लर्न दैट स्टेटमेंट कि जैसे शो दैट एनी सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन जो है whose radius is half the radius of the cone with the surface area maximum या minimum, जो भी statement में दिया, तो आपको relation याद होना चाहिए। यही relation book में जो है MCQ में as it is पूछा जा सकता है, तो वहां आपका 100%, क्योंकि इस question को करने के कम से कम 3 to 4 minutes लग जाते हैं, तो अगर आप statement learn कर लोगे तो आपका काम बहुत easy होता है। Okay, try. हाँ जी, केस स्टडी भी पूछ सकती। अगर केस स्टडी पूछा फिर तो बेटा 4 marks का हो गया ना, फिर तो जायज है 4 minutes स्पेंड करने। लेकिन अगर 1 mark का डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है अवॉइड, ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ स्टेबल। ऑब्वियस है केस स्टडी में तो 4 parts होंगे, हमें टेंशन नहीं हो, ठीक है बेटा, चले आओगे, ठीक है। लेट अस मूव टू द नाउ, मेरे पास टू है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ग्राफ में मेरे पास, आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सपोज दिस इज अ ग्राफ गिवन टू यू, अगर आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल मेंशन कर दिया, सपोज मैंने यहां से यहां तक इंटरवल मेंशन कर दिया, तो दिस इज मेरे पास हो गए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में, ठीक है, वो क्या है इस इंटरवल में। लेकिन अगर मुझे इंटरवल्स में यहां से यहां तक इंटरवल दे दिया, ये अपने इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है, ये अपने इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ऐसे ही मिनिमम का होता है, पूरे फंक्शन की जो कितने सारे मैक्सिमम में से जो 100% मैक्सिमम होता है उसे हम एब्सोल्यूट। मैंने आगे भी एग्जाम्पल बताया था सीबीएसई में से, पहले स्कूल में फर्स्ट बच्चा देखते हैं, ठीक है, फिर सिटी में फर्स्ट देखते हैं, फिर ओवरऑल सीबीएसई रीजन में फर्स्ट देखते हैं, फिर ओवरऑल टॉप देखते हैं। तो बेटा वो जो ओवरऑल टॉप है एक्चुअल में सीबीएसई में वही बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, तो वही पहले छोटे छोटे इंटरवल्स में देखा, फिर हमने लोकल मैक्सिमा, जितने भी क्वेश्चंस है ना जो हम स्टेटमेंट वाले करते हैं या नॉर्मली कुछ नहीं लिखा तो उसमें हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा ही निकालते, लोकल मैक्सिमा मिनिमा का ही मैंने अभी आपको मेथड बताया, ठीक है जी, क्लियर बेटा। तो अब मेरे पास जो है क्वेश्चन, लेट अस डू फर्स्टली मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा की मुझे नहीं लगता कि कोई डेफिनेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि एओडी में से मैक्सिमा मिनिमा की ही केस स्टडी बनती है, मैक्सिमा मिनिमा की ही केस स्टडी बन रही है, बट हम किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं लेंगे। डेफिनेशन जरूर अच्छी तरह करो, मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी ऑब्टेन्ड द मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्टेन्ड द मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए,
जो ऑब्वियस अपनी डोमेन पे जो है लाइ कर रहा है. इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ ए, सिंपल सी बात, मैक्सिमम वैल्यू तभी अटेन करेगा. हाइट बड़ी हो ग्राफ की, हाइट कब बड़ी होगी, मतलब उस पे वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू ऑल अदर वैल्यूज. एक्स इज अ जनरल पॉइंट, मिनिमम में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बस. ठीक है जी, ये मेरे पास डेफिनेशन है. लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में सिर्फ फर्क क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पर हम इंटरवल मेंशन आपको कर रहे हैं प्रॉपर, और उसमें जो हम देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, इसके थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, वो इंटरवल देखते हम आपको कह देते हैं बेटा यहां से यहां इंटरवल फिक्स कर लो. बेसिकली जिस पॉइंट पे हम लोकल, मतलब बिल्कुल आसपास, हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, लोकल टॉपर हमारे स्कूल का, हमारे स्कूल का टॉपर कौन होगा जो लोकल, ठीक है ना. तो उसमें बच्चे के हमारे पास कैसे होंगे, मान लो प्लस टू की बात करें, प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, बस. तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम लेते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में ही देखते हैं, इतने से इंटरवल. मैं बात बात कर रही हूँ कि लोकल मतलब हम एक फिक्स वहां पर नियर अबाउट वैल्यूज देखते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं करते. ठीक है बेटा, क्लियर. चलिए अब मेरे पास जो है इसमें, अगर आपने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करनी है, अच्छा देयर माइट बी सम फंक्शंस जिसमें कोई वैल्यू लोकल मैक्सिमा की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, लोकल मिनिमा की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती. एक्सट्रीम पॉइंट जरूर होते हैं, एक्सट्रीम मतलब क्रिटिकल पॉइंट जरूर होते हैं, और वो नॉर्मली, अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं, आपकी बुक में भी ब्लू ब्लू पार्ट में बहुत बार लिखा हुआ ऐसा फंक्शन है, ये मॉड एक्स है. अब मॉड एक्स में आपको पता है मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है. लेकिन यही अगर मैं इंटरवल मेंशन कर दूं, वन टू टू मैंने मेंशन कर दिया, यहां पर वन और यहां पर टू, तो 100% अगर फंक्शन है मॉड एक्स तो मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू कहां अटेन होगी, टू पे, मिनिमम वैल्यू कहां अटेन होगी, वन पे. लेकिन यही इंटरवल अगर मैं चेंज कर दूं, कैसे, मेरे पास मैं ओपन कर दूं बेटा, ओपन कर दिया तो नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम. लेकिन अच्छा अगर कुछ भी ना दिया होता तो मिनिमम वैल्यू जीरो होती, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब इंटरवल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं. ये सबको पता चला, कोई डाउट है वहां पर किसी का, चलो आगे बेटा, श्योर. चलो अब बेटा मेरे पास जो है स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर मेरे पास जो है टर्निंग पॉइंट, हम जिसको कहते हैं टर्निंग या क्रिटिकल वैल्यू जिसको हम, और वो कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं उसे टर्निंग पॉइंट, उसे स्टेशनरी पॉइंट वो कहते हैं. ओके जी, मैं बार बार कह रही हूं कि अगर कोई कर्व ऐसी है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है जहां पर वो अपनी नेचर को चेंज करता है, यहां पर ना मेरे पास जो है वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, रुक जाता है. इसीलिए अगर, अच्छा मैं अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी कंपेयर करूं इसको, क्योंकि हमें लग रहा है कि 1-1 mark के क्वेश्चन वो कैसी स्टेटमेंट से भी कंफर्म कर सकता है. अब देखिए अगर मैं कह रही हूं यहां पर मैक्सिमम है वैल्यू, देख रहे हैं ना, हमें पता चल रहा है इसके पीछे एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके आगे एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन होगा, क्योंकि यहां इंक्रीजिंग है. हमने कल भी किया था इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है ना मेरे पास. तो जब भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ फंक्शन जो है व्हेन द वैल्यू एट ए इज मैक्सिमम, अगर ये ए पॉइंट है इस पे मैक्सिमम है, तो नीचे ऑप्शन दी जा सकती है कि एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, है ना.
कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन ए, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, सिंपल सेगा। और मिनिमम में उल्टा होता है, ठीक है, मिनिमम में उल्टा, यहां लेस यहां ग्रेटर। आप ग्राफ बना के आराम से, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती, ग्राफ बनाओ, यहाँ टेंजेंट जो है वो इंक्रीज, यहाँ पर वो डिक्रीज वाली, ओके। चले चले अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रिलेटेड विद जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो फॉर दैट बेटा मेरे पास, लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, द इफ एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज 2x^3 - 21x² + 36x - 30, then first part f of x has minimum value at x is equals to 1. B part f of x maximum value at x is equals to 6. C part f of x has maximum value at x is equals to 1. फंक्शन हैज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी वैल्यूज नहीं। हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव निकालिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए, जल्दी जल्दी, बी फास्ट। डेरिवेटिव निकालिए एफ डैश एक्स, 6x² - 42x + 36 इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। जब आपने पुट किया तो मेरे पास जो है 6 कॉमन आ रहा है, तो मुझे पता है x² - 7x + 6 = 0। अब बेटा फैक्टर्स बनेंगे मेरे पास 100% x - 6 और x - 1, चेक कर लो यही बनेंगे। तो x की वैल्यू 6, 1। अब डबल डेरिवेटिव निकालें, मेरे पास डबल डेरिवेटिव निकालो 12x - 42। अब 1 पुट कीजिए, जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हाँ जी, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, किस पे? 1 पे। अब 6 पुट करके देख लो, पॉजिटिव आ रहा है। कई बार दोनों पॉइंट्स भी तो हो सकते थे ना, हमने सब चेक करके जरूर देखना। तो 100% मेरे पास जो है 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ जी बेटा, वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ आप कर सकते हो, जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा तो आप उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी हमने डायग्राम में किया कि अगर वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो मेरे पास मैक्सिमम होगा, अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है तो वो मिनिमम होगा। पॉलिनोमियल वाले फंक्शन हो सकते हैं जंप रूल से, बिल्कुल हो सकते हैं। बताऊं मैं कि कैसे चेक करना है? है ना, कैसे? ये देखिए, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये लीजिए मेरे पास ये 1 और ये 6। बनाना हमेशा नंबर लाइन पे, आपको पता है कि हमने कोई नेगेटिव कॉमन नहीं लिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे, ऐसे गया है ना। अब हमने देखना है क्योंकि लाइन इधर से चलती है, हमारे पास इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये देखो ग्राफ, यानी यहां पर ऊपर, फिर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो अभी जब ऊपर है मेरे पास तो क्या होगा? इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव, नॉट इंक्रीजिंग, अभी हम बोले पॉजिटिव। यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो क्या होता है मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू। टाइम उतना ही लगता है, चाहे वहां पुट करके देख लो या ऐसे कर लो, इट इज अप टू यू। अभी हमने ये ग्राफ ऐसे, मैंने आपको करके बताया था ना कि जब ऐसे से ऐसे होता है, ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव का मतलब हम आगे इंक्रीजिंग ही लेते थे ना, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग लेते थे, तो उससे भी कर सकते। ओके चलो बेटा आगे, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है नेक्स्ट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन. फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो इज मेरे पास हो गए फर्स्ट रूट ए बी, सेकेंड टू रूट ए बी, थर्ड ए बी और डी टू ए बी. चलिए बेटा फटाफट कीजिए, बी फास्ट. डेरिवेटिव निकालिए, डबल डेरिवेटिव कीजिए जल्दी. इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा ही लगेगा आपको. हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा मेरे पास a माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर. ये पता चला डेरिवेटिव कैसे लिया, क्योंकि ये x को मैं x की पावर माइनस वन लिख सकती हूँ बेटा. पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, तो यही बना. ठीक है जी, अब हम क्या करें, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर लें मेरे पास. तो जब पुट किया ये उधर गया मेरे पास, a इज इक्वल टू बी बाय एक्स स्क्वायर, तो x जो है वो b बाय a रूट में आ गई, प्लस माइनस दोनों आएगी. ठीक है ना, अब मेरे पास जो है वहां पर क्लियर कट इसीलिए लिखा है a ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो. क्यों लिखा है, क्योंकि रूट के अंदर वो नेगेटिव टर्म्स नहीं आ सकते. अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लेवल इंक्रीज करना है तो मैं पता क्या क्वेश्चन में इसमें चेंज कर सकती हूँ, व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी शुड बी सेट टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्या कंडीशन सेट करनी चाहिए, a is greater than zero, b is greater than zero. क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आनी है, वो दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते. ऐसे क्वेश्चन मोल्ड होता है जो लेवल उठाया जाता है, तब आपको समझ नहीं आती क्या कंडीशन. ठीक है, वो ऐसे ही इससे ही पता चलेगा, क्योंकि अगर a b नेगेटिव हो गया कॉम्प्लेक्स में हमारे पास हो गए, कोई एक भी नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम आएगी. दोनों नेगेटिव में तो हम ऐसे नेगेटिव नेगेटिव आपको भी पता है वो आयोटा स्क्वायर बन जाता है ना, वो नो डाउट. यहाँ डिवाइड में है तो कट गया, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होता तो कटता नहीं. इज इट क्लियर. चलिए बेटा आगे चलिए, तो अब एक्स की वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव लीजिए मेरे पास. जब डबल डेरिवेटिव लिया तो ये जीरो हो गया और ये बन गया बी बाय एक्स क्यूब. अब बेटा बी बाय एक्स की वैल्यू मुझे पता है क्या है, बी बाय, अब देखो पावर वन बाय टू और पावर थ्री. ठीक है जी, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रही हूँ ना एक्स की, तभी मुझे पता चलेगा. अब देखिए मेरे पास हो गए बी बाय, अब जब मैंने यहां पर किया तो मेरे पास ये बी की पावर वन है, माइनस थ्री बाय टू है और ए की पावर थ्री बाय टू है. तो दैट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, टू, ये नेगेटिव में आ जाएगी, बी की पावर माइनस वन बाय टू आ जाएगी, ए की पावर थ्री बाय टू आ जाएगी. अब हमने ये चेक कर लिया, हम ये ना भी निकालते ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने मिनिमम वैल्यू निकाली. मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कल को केस स्टडी में माइट भी वो पूछ ले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बता. वैसे मैं यहां पर भी छोड़ सकती थी, यहां पर भी, क्यों, बी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है. जब एफ डबल एक्स पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम वैल्यू आएगी, ये तो पक्का पता चल गया कि मिनिमम आएगी. अब हमने निकालनी है मिनिमम वैल्यू, कैसे निकालेंगे, ये एक्स की वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर, यहां पर पुट कर. ओके जी, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, हम इसको पेपर में अवॉइड कर सकते. और एक और तरीका बताती हूँ, जब मिनिमम वैल्यू बताई ऑप्शन में देखो कोई नॉट डिफाइंड वाली तो नहीं है ना, नहीं है ना, इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आनी आनी है, यानी डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं फिर हम,
मेरी बात समझ आई? ओके, अगर आपकी ए की वैल्यू निकल रही है, यहां पर एक ही निकली ना, उसी पे मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो उस पे मिनिमम वैल्यू 100% हम सीधा एक्स की वैल्यू यहां पुट करें, टेंशन फ्री। ये ट्रिक्स आप खुद अपने निकालोगे जब आप क्वेश्चन करते। मैंने ये देखा कि यहां पर कोई भी ऑप्शन नन वाली नहीं है, कोई भी ऑप्शन ये नहीं है नो मैक्सिमम नो मिनिमम या आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट, नॉट डिफाइंड, कोई ऐसी नहीं, यानी आंसर आना ही आना है। मैंने जब एक्स की वैल्यू देखी वो सिंगल है, एक ही आ रही है जिस पे वो डिफाइंड है, तो मैं ये चीज सारी अवॉइड कर सकती थी। ओके, अब मैंने कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ जो है रूट ए बाय बी बाय ए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ए रूट बी बाय रूट ए प्लस बी, यहां उल्टा हो जाना है रूट ए बाय रूट बी। अब बेटा ये कट गया, यहां रूट ए पहुंचा, रूट ए रूट बी, यहां पर भी ऐसे ही रूट बी रूट ए, टू टाइम्स रूट ए रूट बी, मेरा आंसर कौन सा है, बी है। ओके, वो आपने देखने मिनिमाइज कैसे करना है, कौन सी चीज की जरूरत है उसी को निकालो, बाकी अवॉइड करो। ठीक है जी, क्लियर, सबको क्लियर है? चलो बेटा आगे, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास द मैक्सिमम स्लोप ऑफ ए कर्व, कर दू ना बेटा, हाँ जी मैक्सिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इज 0, 12, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 32। अब जरा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना, मैक्सिमम जो है स्लोप ऑफ अ कर्व यहां मैक्सिमम, बच्चे गलती करते हैं, क्या कर रही हो मुझे बताओ इसमें, हाँ जी पहले स्लोप लोगे, आपने फंक्शन आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, यही गलती होती है वहां पर, आपने पहले फंक्शन को खुद बनाना है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बनाते थे, यानी आप क्योंकि स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, ये मेरा फंक्शन नहीं है, यानी यहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने फंक्शन को डिफाइंड करना है एज डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो वो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये अब मेरा फंक्शन है, यानी तीन बार डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए माइनस 6x प्लस 6, एक ही वैल्यू आनी, लीनियर है ना, मुझे डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नॉट डिफाइंड कोई नहीं है, अब एक बार वो दिमाग में बैठ गया ना, तो नो नीड टू कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव, जस्ट आप क्या करो, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो और एक्स की वैल्यू वन आई, यहां वन पुट करो, कौन से फंक्शन में वन पुट करोगे, हाँ जी स्लोप वाले में, यहां नहीं करना, मैंने हाथ यहां रख दिया था क्योंकि ये मेरा फंक्शन, तो यहां पुट करोगे, जब मैंने वन पुट किया तो मेरे पास माइनस 3 प्लस 6, 3 3 प्लस 9 12। ओके जी, बात समझ आई? ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे पास हो गए हाँ जी, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स ओवर लॉग एक्स इज,
आई थिंक ये एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन डाला था हमने, बी वन बाय ई, सी ई स्क्वायर एंड डी टू ई. चलो सब अपना अपना करो, जल्दी जल्दी, बी फास्ट. एफ डैश एक्स मेरे पास हो गए लॉग एक्स स्क्वायर. हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस जो है माइनस लॉग एज इट इज इनटू मेरे पास तो है वन आ गया. मैंने गलती कर दी है कोई कैलकुलेशंस में? वेट 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 वेट, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स एज इट इज इनटू वन माइनस जो है मेरे पास x as it is into derivative of log x is, उल्टा लिख दिया था मैंने, log x minus 1 over log x whole square. Okay? चेक कर लो बेटा calculations. अब देखिए f dash x is equal to 0 put किया, बेटा ये तो positive ही है और ये 0 के साथ ही equal जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो जाना है. तो मेरे पास क्या रह गया, log x minus 1 equal to 0. log x is 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, e आएगी ना, क्योंकि log e ही 1 होता है. तो उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, फटाफट आदत पड़ी होती, अच्छा e आंसर है, टिक कर दो. पेपर में यही कंफ्यूजन वाले जो हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे. सीबीएसई बार बार जो हमारे वेबिनार्स लगा रहे हैं ना, उसमें वो कह रहा है कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डालनी है हमने, दे आर सेइंग दिस थिंग. आदत पड़ी होगी, अच्छा जी एक्स ही निकल गया, हाँ खुशी होती है, निकल गया टिक कर दो, होता है ना. बट यहाँ पर देखिए कि आपके पास फंक्शन निकालना है, तो ई ओवर लॉग ई वो बाय चांस ही सेम आ गया है ना, यहाँ पर बाय चांस ही सेम आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा. बट पेपर में वो ऐसी ऑप्शन नहीं देगा जिसमें दोनों से आंसर सेम आ जाए. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम एंड मिनिमम. Try to do the questions. Today I will send maximum in. Kal increasing, decreasing, sabne kar liya.